2 साल पहले फेब 2018 में मैंने वीडियो अपलोड की थी ऑन हाउ टू एडजस्ट द टैपेट्स, लेकिन इसकी ऑडियो क्वालिटी अच्छी नहीं थी। In this video, I'll be showing you how to adjust the tappets. फिर मैंने डिसाइड किया क्यों ना इसका दूसरा वर्जन बनाया जाए विद इम्प्रूव्ड वीडियो एंड ऑडियो क्वालिटी। तो इन सारे टूल्स की ज़रूरत है, एक 4-हेड स्क्रू ड्राइवर, 10mm का ओपन एंड स्पैनर, एक स्पार्क प्लग ओपनर, या फिर अगर वो नहीं है तो 18mm का रिंग स्पैनर, उससे भी ओपन किया जा सकता है। एक फ्लैट थिक स्क्रू ड्राइवर टाइप टूल चाहिए क्रैंक केस का जो कैप होता है उसको खोलने के लिए। एक कोई भी टूल 14mm का क्रैंक को रोटेट करने के लिए जिससे कि पिस्टन को TDC में लाया जा सके। एक 24mm का रिंग स्पैनर टैपेट कवर को खोलने के लिए, और इसका जो एंगल है वो 15° का होना चाहिए। 10mm का रिंग स्पैनर लॉक नट को लूज करने के लिए, टैपेट स्क्रू एडजस्टर और एक फीलर गेज। इन सारे टूल्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सबसे पहले जो टैंक स्कूप है उसको रिमूव करना है, ये मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस में शो किया हुआ है। फिर आपको स्पार्क प्लग रिमूव करना है, इससे कंप्रेशन बिल्डअप नहीं होगा और क्रैंक ईजिली रोटेट हो जाएगा। ओपन एंड स्पैनर से थ्रोटल केबल को रिमूव कर ले, उसके बाद इसको यहाँ से बाहर पुल कर लेना। फिर इसको कैप को ओपन कर ले। 4mm का रिंग स्पैनर मैंने 15° इसलिए रिकमेंड किया है क्योंकि यहाँ पर स्पेस जो है बहुत कम है। पेट कवर को खोलने का एक सही तरीका ये है कि पहले स्पैनर को लगाएं, उसको वहाँ पर लॉक करें और उसके बाद हल्का हल्का इसको टैप करें। ज़्यादा जल्दबाजी ना करें नहीं तो इससे टैपेट कवर डैमेज हो सकता है। ये ओरिंग या टैपेट कवर अगर ख़राब हो जाए तो अलग से लगा भी सकते हैं खरीद के, इसका पार्ट नंबर स्क्रीन पर। एक कपड़े से इसके सरफेस को साफ कर ले क्योंकि यहाँ पर मड होता है जो अंदर गिर सकता है। उसके बाद 14mm की सॉकेट से क्रैंक केस को रोटेट करना है एंटी क्लॉकवाइज। और ये जो आप मार्क देख रहे हो, इस मार्क को इस मार्क से मिलाना है। उसके बाद चेक करना है कि जो पिस्टन है वो TDC में होना चाहिए। इसके लिए आप किसी स्क्रू ड्राइवर का भी यूज़ कर सकते हो। TDC चेक करने का दूसरा तरीका, दोनों टैपेट्स जो हैं वो लूज़ होंगे। अब जो है मेन पार्ट आ जाता है कि क्लियरेंस को कैसे सेट करें। ये जो टैपेट है इसके क्लियरेंस को कैसे सेट करना है, और यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है जहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं या उनको समझ नहीं आता है कि इसको कैसे किया जाता है। टैपेट एडजस्ट करने से पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि टैपेट एडजस्टमेंट होता क्या है एग्जैक्टली। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि एक रॉकर आर्म है जो ऑपरेट होता है कैमशाफ्ट से। रॉकर आर्म का काम है ये जो नीचे वॉल्व स्टेम है इसको ओपन करना। अब ये वॉल्व स्टेम और रॉकर आर्म के जो बीच का जो गैप है इसी को कहते हैं क्लियरेंस, इसी को कहते हैं टैपेट को सेट करना। यही जो गैप जो है बीच का जो क्लियरेंस है उसको सेट करना ही टैपेट एडजस्टमेंट कहते हैं। अब इसको एडजस्ट करने के लिए बीच में एक एडजस्टिंग स्क्रू दिया हुआ है और एक लॉक नट है। एडजस्टिंग स्क्रू को रोटेट करके हम लोग बीच का जो गैप है उसको सेट करते हैं फीलर गेज से। और क्योंकि स्क्रू तो लूज़ होता है उसको उसकी जगह में लॉक करने के लिए एक लॉक नट दिया हुआ है। बस इतना ही है कि हम लोग को यहाँ पर लॉक नट को लूज़ करना है, क्लियरेंस जहाँ पर है जो गैप है उसकी जगह में फीलर गेज को इंसर्ट करना है, एडजस्टिंग स्क्रू को एडजस्ट करना है और उसके बाद लॉक नट को टाइट करना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि FZ25 का जो पिक्चर है वो कैसे दिखती है। सो, ये है FZ25 का लुक, और यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने लिखा हुआ है ये रॉकर आर्म है, लॉक नट है, एडजस्टिंग स्क्रू है और नीचे वॉल स्टेम है। ये जो फंक्शन है ये हर बाइक में, हर कार में, हर जगह सेम होता है, खाली उसकी जो बनावट है वो थोड़ी सी डिफरेंस होती है। यहाँ पर जो लॉक नट है वो 10mm का है, और इसको लूज़ करूँगा मैं रिंग स्पैनर से। और एडजस्ट कैसे करना है कि जब आप क्लियरेंस की जगह पर फीलर गेज को इंसर्ट करोगे और एडजस्टिंग स्क्रू को टाइट करोगे तो फीलर गेज में जो रेसिस्टेंस है वो स्लाइट ड्रैग होना चाहिए, ना कि टाइट ड्रैग या लूज़। उसमें हल्का सा रेसिस्टेंस फील होना चाहिए, वो स्लाइट ड्रैग होना चाहिए, वही परफेक्ट क्लियरेंस होता है। और उसके बाद आपको लॉक नट को टाइट कर देना है। आप सोच रहे होंगे कि फीलर गेज क्या होता है। फीलर गेज बेसिकली पत्तियां होती हैं जिसका साइज उसके पत्तियों के ऊपर लिखा होता है, वो 0.0
1 mm से लेके अप टू 2-3 mm, डिपेंडिंग किया कौन सा ब्रांड है उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो अलग अलग साइज ही होती हैं। अब क्लियरेंस रखना कितना है, जो कंपनी का जो रिकमेंडेशन है वो है इनलेट का 0.05 mm से 0.10 mm, ये बेसिकली रेंज है। और आउटलेट का देखोगे आप तो डिफरेंट है थोड़ा सा, ये रेंज है, मतलब कि मिनिमम जो गैप है वो 0.05 इनलेट का और आउटलेट का 0.08, इससे ज़्यादा और कम नहीं होना चाहिए, और मैक्सिमम जो है 0.10, ये है कंपनी का रिकमेंडेशन। और जो सर्विस सेंटर वाले जो एडजस्ट करते हैं वो एकदम मिनिमम में करते हैं, लेकिन मैं मिनिमम नहीं रिकमेंड करता हूँ क्योंकि उसमें जो है परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं आती है। मैं रिकमेंड करता हूँ इनलेट को 0.07 mm और आउटलेट को 0.10 mm, ये इसलिए क्योंकि मैंने दोनों सेटिंग्स में अपने बाइक को एडजस्ट करके टेस्ट ड्राइव किया है, और मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जब मैंने मिनिमम पे सेट किया था तो बाइक उतनी अच्छी नहीं चल रही थी, जो पिकअप है वो उतनी अच्छी नहीं थी। जब इसको इस सेटिंग में सेट किया तब पता चला कि मतलब बाइक जो है उसका जो पुल पावर है वो एकदम अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से तरीके से पुल करती है और एकदम रॉकेट की तरह भागती है, तो इसलिए मैं रेकमेंड करता हूँ ये वाली सेटिंग। एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ कि इससे आपकी जो टैपेट की जो नॉइस है वो ठीक नहीं होगी, इससे आपकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी, परफॉर्मेंस बढ़ेगी तो माइलेज भी बढ़ेगी, लेकिन जो नॉइज़ है वो नॉइज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट सिचुएशन है, उसका ये सॉल्यूशन नहीं है, इसका डायरेक्ट रिलेशन परफॉर्मेंस से है। अब मैंने यहाँ पर जो लॉक नट है उसको लूज़ कर दिया है, और ये है स्क्रू को एडजस्ट करने वाला टूल। अब ये जो फीलर गेज है इसको उस गैप के अंदर जैसे मैंने दिखाया था उसके अंदर इंसर्ट करना है, और उसके बाद जो है स्क्रू को रोटेट करके जब स्लाइड ड्रैग आ जाएगा तो वहाँ पर स्क्रू को टाइट करना है। अब लॉक नट को टाइट करते वक्त एक प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जो एडजस्टिंग स्क्रू है वो भी घूम जाता है, जिसके कारण जो क्लियरेंस है वो थोड़ा सा और टाइट हो जाता है, और जो स्लाइड ड्रैग आपने रखा था वो स्लाइड की जगह में थोड़ा टाइट हो जाता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? अब इसके दो सॉल्यूशन है, पहला कि जो एडजस्टिंग स्क्रू है उसको थोड़ा सा लूज रखें, और जब आप लॉक नट को टाइट करोगे वो भी साथ में घूमेगा तो वो स्लाइड ड्रैग पर आ जाएगा, और दूसरा एक स्टेप ऊपर थिकर गेज को यूज़ करें। मतलब अगर मुझे इनलेट को 0.07 में सेट करना है उसके लिए मैं यूज़ करूँगा 0.08, क्योंकि जब मैं लॉक नट को टाइट करूँगा एडजस्टिंग स्क्रू घूमेगा तो वो ऑटोमेटिकली 0.07 पे आ जाएगा। इसमें आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये एक बार में नहीं होगा, मुझे भी 4-5 times तक उसको करना पड़ता है तब जाके वो डिज़ायर रिज़ल्ट आ पाता है। मगर आपको घबराने की इसमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास रेंज है, तो हल्का सा अगर ऊपर नीचे अगर हो भी गया तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखनी है कि जो फीलर गेज आप यूज़ करें वो किसी ब्रांडेड कंपनी का यूज़ करें, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लोकल वाला बिल्कुल भी यूज़ ना करें, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उनमें थिकनेस लिखी कुछ और होती है और होती कुछ और है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोई भी मैकेनिक, चाहे वो सर्विस सेंटर वाला हो चाहे बाहर मैकेनिक हो, कोई भी टैपेट को इतने अच्छे तरीके से वो लोग एडजस्ट नहीं करते हैं, वो लोग बस फटाफट करके छोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है कि परफॉर्मेंस में इफ़ेक्ट हो जाता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका जो टैपेट का जो क्लियरेंस है वो एकदम परफेक्ट हो तो आप इसको खुद से करना सीख लें, क्योंकि यामाहा के इंजन में मैंने नोटिस किया है कि हर 5000 किलोमीटर पर इसको एडजस्ट करना होता है, क्योंकि हर 5000 किलोमीटर पर थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है। अब टैपेट कवर को टाइट करने के लिए ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, पहले इसको हाथ से टाइट करें, और जब ये सरफेस में टच हो जाए तो स्पैनर को उसमें लॉक करके हल्का सा एकदम टाइट कर दे दोनों को। हल्का सा इसलिए क्योंकि जब इंजन हीट होता है और ठंडा होता है तो ये लॉक हो जाते हैं, अगर आप इसको ओवर टाइट कर दोगे तो नेक्स्ट टाइम खोलने में बहुत दिक्कत होगी। उसके बाद थ्रोटल केबल को उसकी जगह में इसको टाइट कर देना है, ज़्यादा टाइट नहीं करना है क्योंकि ये स्लिप हो जाता है। इन कैप्स को भी लगा दें, अगर यहाँ से ऑयल लीक होता है, कई लोगों का यहाँ से ऑयल लीक होना शुरू हो जाता है इसको खोलने के बाद, तो आपको करना कुछ नहीं है, ये वाला जो ओरिंग है यहाँ पर इसको ऐसे निकाल के नया ओरिंग डाल दें और ये ठीक हो जाएगा। तो कई बार क्या होता है कि यहाँ पर जो ऑयल होता है इसको टाइट करने के बाद फिर भी यहाँ बाहर ऑयल आ जाता है, तो आप घबराएं नहीं, इसको साफ़ करके लगाएं। तो इससे क्या होगा कि जब बाहर ऑयल नहीं आएगा, अगर आपने अगर बाहर करवाया है और ये बाहर ऑयल आ गया है
पहले इसको साफ़ कर लें, उसके बाद फिर चेक करें कि ऑयल आ रहा है कि नहीं, क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द टाइम यहाँ पर जो ऑयल होता है वही बाहर रिफ्लेक्ट करता है। और ये जो ओरिंग है ये 20-25 रुपए में आ जाता है। ओरिंग का पार्ट नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये बड़े वाले का और ये दूसरा छोटे वाले का है। इसको भी ओवर टाइट नहीं करना है, अगर डैमेज हो जाता है तो ये नया आप लगा सकते हो। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने कोशिश की है कि जितनी ज़्यादा डिटेल हो सके उसमें मैं आपको दे सकूं। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और जाने से पहले लाइक करके ज़रूर जाना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर, बाय बाय।